अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की नाक में पहले ही दम कर रखा है। इसके चलते अडानी समूह की मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आ चुकी है। लेकिन अब खबर आई है कि सेबी ने गौतम अडानी और उनके बड़े भाई विनोद अडानी के बीच संभावित खेल को लेकर जाँच बैठा दी है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के अलावा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, सेबी को किस बात का शक है और इस खबर का फौरी असर अडानी समूह पर क्या पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कथित तौर पर तीन विदेशी कंपनियों के साथ अडानी ग्रुप के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के नियमों में संभावित उल्लंघन की जांच कर रहा है। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों का कनेक्शन अडानी समूह के फाउंडर गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि तीन विदेशी कंपनियों ने गौतम अडानी की गैर सूचीबद्ध कंपनियों में पिछले 13 साल में कथित तौर पर कई बार पैसा लगाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी ने इन सौदों के जरिए बतौर मालिक खूब फायदा उठाया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अडानी या तो इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं या तीन कंपनियों से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जरूर है। अब सेबी इस बात की जांच कर रहा है कि अडानी समूह के साथ विनोद अडानी किन कंपनियों के लेन देन के दौरान क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नियमों का उल्लंघन किया गया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दो पक्षों के बीच किए गए ऐसे सौदों से होता है जिनका पहले से ही कारोबारी संबंध होता है। भारतीय कानूनों के मुताबिक रिश्तेदारों की कंपनी, प्रमोटर ग्रुप और लिस्टेड कंपनियों की सब्सिडरीज को रिलेटेड पार्टीज माना जाता है। कानून में प्रमोटर समूह को एक संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी लिस्टेड कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी और यह कंपनी की पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है। ऐसी संस्थाओं के बीच होने वाले किसी भी लेन देन की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देना जरूरी है। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें शामिल कंपनियों को मोटा जुर्माना भरने को कहा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि एक सीमा से ऊपर शेयरों की खरीद बिक्री पर शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होती है। लंबे समय से शेयर मार्केट पर नजर रखने वाले प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर बताते हैं। देखिए, पहली बात तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हम उन ट्रांजेक्शंस को कहते हैं जब प्रमोटर अपने खुद की कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शंस करता है। मिसाल के तौर पर अगर प्रमोटर की कोई घर की कंपनी है जहाँ पे कोई रॉ मटेरियल बनता है तो वो रॉ मटेरियल अगर लिस्टेड कंपनी को बेचा जाता है तो वहाँ पे प्रमोटर की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे काफी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अडानी ग्रुप कंपनीज में हुए हैं। तो इसकी जाँच जो अभी जो अभी रॉयटर्स पे रिपोर्ट पे आई है कि इसकी इंक्वायरी होगी, मेरे ख्याल से ये देखिए ये सारी दिक्कतें और अडानी ग्रुप की शॉर्ट टर्म में बढ़ाने की चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी देखिए शेयर्स तो बुरी तरह से पिट गए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो जो पब्लिक का परसेप्शन है, इंस्टीट्यूशन का परसेप्शन है, बैंक का परसेप्शन है, वो थोड़ा सा कॉशियस हो चुका है। अभी ये अगर जांच होती है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में और थोड़ी दिक्कत इस ग्रुप को फेस करनी पड़ी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक थोड़ा सा एक डाउट और कंसर्न इन्वेस्टर्स के माइंड में जरूर होता है और पूरी तरह से क्लैरिटी आने तक मामला ऐसा का वैसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव सरप्राइज इसमें से निकलता है तो हो सकता है कि और थोड़ी दिक्कतें ग्रुप को फेस करनी पड़ी, लेकिन अभी ये रिपोर्ट आने के बाद ही हमको पता चलेगा। बट डेफिनेटली थोड़ा सा तकलीफ वाला टाइम है क्योंकि ये जो आया है मैटर ये थोड़ा सा और उलझन बढ़ाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये तो बेसिकली फाइनेंशियल ऑफेंस है। तो यहाँ पे बड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है और इनको चेतावनी दी जा सकती है कि आगे चल के फ्यूचर में ऐसा ना करे। बट डेफिनेटली मॉनेटरी फाइन और पेनल्टी यहाँ पे लगने के चांसेस ज्यादा है अगर कोई भी चीज इनके अगेंस्ट प्रूव हो जाए। इस सबके बीच रॉयटर्स ने सेबी को मेल भेजकर इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी थी लेकिन न्यूज एजेंसी को सेबी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने 29 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी समूह को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। वहीं अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा, विनोद अडानी अडानी फैमिली के सदस्य है, प्रमोटर समूह का हिस्सा है लेकिन वे अडानी समूह की किसी भी लिस्टेड संस्था या उनकी सहायक कंपनियों में कोई प्रबंधकीय पद नहीं रखते हैं। रॉयटर्स ने बताया कि विनोद अडानी से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा दुबई में उनकी होल्डिंग कंपनी अडानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट DMCC को भेजे गए सवालों का जवाब भी नहीं मिला है।
अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई अपनी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि मॉरिशस और कैरेबियन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन्स में बनाई गई कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके पास अदानी की कंपनियों में हिस्सेदारी है। हालांकि अदानी समूह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट आई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। साथ ही सेबी को जांच के निर्देश दिए थे कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सेबी की तरफ से जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल इस मामले पर जल्द ही अपनी रिपोर्ट देने वाला है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि विदेश स्थित विनोद अडानी की कंपनियों ने बड़ी मात्रा में अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों और नॉन लिस्टेड कंपनियों में अरबों रुपए स्थानांतरित किए हैं और इस दौरान सेबी के नियमों को दरकिनार किया गया। अडानी समूह ने आरोपों के 413 पन्नों के जवाब में कहा था कि उसके द्वारा भारतीय कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है। विनोद अडानी से जुड़ी 3 विदेशी कंपनियों के रिलेटेड पार्टी लेन देन के लिए जाँच की जा रही है। इनमें मॉरिशस स्थित क्रुणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और दुबई की कंपनी इलेक्ट्रोजन इंफ्रा शामिल हैं। इस बीच सेबी की जांच ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की चाल बिगाड़ दी है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड 10 कंपनियों में से आज सिर्फ 2 के शेयर्स ग्रीन जोन में है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज दोपहर 2 बजे के आसपास करीब 2% की गिरावट से 1718 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अडानी पोर्ट्स 1% की कमजोरी साथ 625 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी में 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ACC करीब 1.5% और अंबुजा सीमेंट 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। अडानी के शेयरों में तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम डेफिनेटली अभी बड़ा लग रहा है और इसी कारण से यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। और अडानी का जो मूवमेंट है वो मेरे ख्याल से इतना शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा यू टर्न दिखाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा चलेगा और ये कारण अभी मार्केट जान चुका है कि यहाँ पे जब इंक्वायरी होगी, कमेटी बैठेगी, तो उसमें काफी सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आता है तो फिर ये सर ये जो गिरावट है शेयरों की अडानी ग्रुप में ये शायद थोड़ी सी और तेजी पकड़े। बट एट द मोमेंट आई थिंक ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है जो मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप कंपनीज को भुगतना पड़ेगा। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।